Hello student, in our previous video we will discuss about Battle of Plassey and Battle of Buxar. Now we will discuss about company rule expand. कि जो कंपनी थी स्टार्टिंग में वो वेस्ट बंगाल से उसने अपना रूल रेगुलेशन स्टार्ट किया था या ट्रेडिंग स्टार्ट किया था कि और उसके बाद वो इंडिया में पूरे इंडिया पे उनका कैसे कंट्रोल हो गया. पीरियड बिटवीन 1757 टू 1857. एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल बाय द एनेक्टेशन ऑफ इंडियन स्टेट बट द कंपनी रियली लॉन्च ए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक. कंपनी यूज ए वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड इन द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन. आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट. They were political or commercial agent and their work was to serve the interest of company. कि अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका मेन टारगेट था कि पूरे इंडिया को अपने अंडर करना. तो उसके लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हर जगह उन्होंने मिलिट्री अटैक किए. उसके लिए उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक मेथड यूज किए. फॉर एग्जांपल उसने क्या किया कि इंडियन जितने भी इंडियन स्टेट थे उनमें अपने रेजिडेंट या अपने ऑफिसर अपॉइंट किए. और उन ऑफिसर का मेन वर्क क्या था कि उन स्टेट में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी लोग वहाँ पे कर रहे हैं उनके बारे में सब सारे नॉलेज किसको देना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना. सब्सिडरी अलायंस. अकॉर्डिंग टू दिस अलायंस इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स. दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाई द कंपनी बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्स. सब्सिडरी अलायंस यही होता है कि इसके अकॉर्डिंग जो इंडियन रूलर थे वो अब मिलिट्री आर्मी नहीं रख सकते थे. अब उनको जब भी कोई फाइट करना होगा, बैटल करना होगा, तो वो जब उनको सोल्जर आर्मी की जरूरत होगी वो उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम उनकी हेल्प करती थी, उनको सोल्जर या आर्मी उनको देती थी. बट उसके बदले में क्या था कि कंपनी उनसे क्या थी रिवेन्यू या उनसे ज़्यादा मनी की वो डिमांड करती थी. इफ़ द इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी. मीन्स कि जब वो भी कोई भी रूलर अगर जो पेमेंट टाइमली नहीं कर पाता था तो उनके टेरिटरी का कुछ पार्ट ब्रिटिश कंपनी एज ए पेनल्टी या एज ए फाइन उनसे ले लेती थी. अवध एंड हैदराबाद वर टेकन ओवर बाय कंपनी थ्रू सब्सिडरी अलायंस. कि जो अवध और हैदराबाद थे उनको टेक ओवर ब्रिटिश कंपनी ने थ्रू सब्सिडरी अलायंस के थ्रू ही किया था. इट मीन्स कि अब कंपनी क्या कर रही है, डायरेक्ट बैटल नहीं कर रही है, वो डिफरेंट ट्रिक यूज कर रही है इंडिया के जो डिफरेंट उस टाइम पार्ट्स थे, स्टेट थे, उनको अपने अंडर करने के लिए. टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर. कंपनी यूज डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फेशन टू प्रोटेक्ट इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑन साउथर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर. हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द पावरफुल रूलर ऑफ मैसूर. मैसूर कंट्रोल द प्रोटोकॉल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परसेड पेपर एंड कार्डेमम. इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड पेपर एंड कार्डेमम थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम. कि जो साउथ में इंडिया का एक उस टाइम फेमस या पावरफुल स्टेट था मैसूर, और टीपू सुल्तान वहाँ का किंग था और उसके बाद उसका सन हैदर अली वहाँ का मेन किंग था और उसके बाद उसका सन टीपू सुल्तान वहाँ का मेजर पावरफुल किंग बना. और मैसूर था कुछ स्पाइसेस लाइक पेपर और कार्डिमम के लिए और सैंडलवुड के लिए पूरे ऑल ओवर में फेमस था. और ये कोस्टल एरिया पे था, वहाँ का जो ट्रेडिंग पोर्ट था वो था मालाबार कोस्ट. टीपू सुल्तान ने क्या किया कि इसमें जो सी पोर्ट था उसके थ्रू जो भी एक्सपोर्ट हो रहा था किसको, ब्रिटिश को, वो उसने क्या कर दिया था, मना कर दिया था. कंपनी सा हैदर अली एंड टीपू एज एम्बिशियस अ पर्सन एंड डेंजरस हु हैड टू बी कंट्रोल एंड
क्रैश कि अब जब हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अपने स्टेट से ब्रिटिश को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो उन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उनको एज एनिमी देखने लगी और उन्होंने सोचा कि इनको तो इनकी पावर को उन्होंने कौन को डिस्ट्रॉय करना होगा। और उन जो भी टीपू सुल्तान और हैदर अली थे उनकी पावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनसे वार किया। फोर वर वर फोर्ट विद मैसूर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार इन 1767 to 1769, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1782-84, थर्ड मैसूर एंग्लो वार 1792 एंड फोर्थ इज फोर्थ एंग्लो मैसूर वार बिटवीन 1799। इन द लास्ट बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम कंपनी वो ने विक्ट्री एंड टीपू सुल्तान वॉर किल्ड। कि जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था या उसको बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम भी कहते हैं, उसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट इज द वार विद द मराठाज, कंपनी डिस्ट्रॉय मराठा पावर इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट अंडर डिफरेंट चीफ्स लाइक सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले। देयर चीफ वर हेल्ड टुगेदर इन ए कॉन्फिडेंशियल अलायंस अंडर ए पेशवा। कि जो ब्रिटिश थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने मराठा की पावर को भी डिक्लाइन कर दिया था। उन्होंने भी मराठा के साथ भी उन्होंने एक बैटल की थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। और उसके बाद उसने क्या किया कि जो मराठा थे उनको डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। द मराठा वर्स इन ए सीरीज ऑफ वार, कि जो मराठा थे उनके साथ भी ब्रिटिश की कई बैटल हुई। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकेंड एंग्लो मराठा वार इन 1803-05, थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817-1819। द पेशवा वाज रिमूव्ड एंड सेंड अवे टू पिथुर नियर कानपुर विद ए पेंशन। कि ब्रिटिश ने लास्ट में क्या किया कि जो भी मराठा थे उनके जो लीडर थे पेशवा, उनको क्या किया लास्ट में उन्होंने पेशवा को पेंशन देके हटा दिया वहां से, और पूरा जो मराठा किंगडम था वो भी ब्रिटिश के अंदर आ गया। नेक्स्ट इज द क्लेम ऑफ पैरामाउंसी मीन्स सुप्रीम पावर। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी परसुड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ हेडस्ली एक्सपेंशन। लॉर्ड हेडस्टिंग गवर्नर जनरल स्टार्टेड ए न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम, हेंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड एन एनेक्सेशन और थ्रेटनिंग टू एनेक्सी एन इंडियन किंगडम। कि अब इन्होंने ब्रिटिश ने क्या किया कि उस टाइम जो उनका मेन जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया पैरामाउंसी डिक्लाइन की, पैरामाउंसी मीन्स सुप्रीम। उन्होंने कहा कि अब क्या ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है इंडिया की मेन सुप्रीम पावर है और वो किसी भी स्टेट को कैसे भी करके वो अपने अंदर ले सकती है। उसके लिए उन्होंने डिफरेंट पॉलिसी स्टार्ट की। When the British tried to annex the small state of Guntur, Karnataka, Rani Chennamma took to arm and led an anti-British resistance movement. She was arrested in 1824 and died in prison in 1829. Means कि जब ब्रिटिश ने ये कहा कि वो सुप्रीम पावर है और किसी भी स्टेट को वो टेक ओवर कर सकते हैं, तो उन्होंने साउथ का कर्नाटक का एक स्मॉल स्टेट था किंटूर, वहाँ पर अटैक किया या उसको कहा कि आप हमारी जो भी पावर है सुप्रीम पावर है उसको मान लो, तो वहाँ की जो रानी चेन्नम्मा थी उसने उसकी अथॉरिटी को मानने से मना कर दिया, तो ब्रिटिश ने उसके साथ भी एक बैटल किया। इन द लेट 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रसिया।
कि अब क्या हो गया था कि जो रशियन कंट्री थी या रशियन ट्रेडिंग कंपनी थी वो नॉर्थ ईस्ट के थ्रू इंडिया में वो ट्रेडिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो अब मेन जो प्रॉब्लम थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यही थी कि कैसे उनको स्टॉप किया जाए। द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्ट। दे फोट ए प्रोलॉन्ग वॉर विद द अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842 एंड एस्टेब्लिश इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर। कि अब रूसिया को आने से रोकने के लिए उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफगानिस्तान से भी फाइट किया और वहाँ पे भी अपना कंपनी रूल उन्होंने स्टार्ट किया। सिंध वाज टेकन ओवर इन 1843। नेक्स्ट इन लाइन वर पंजाब बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह होल्ड बैक द कंपनी। अफगानिस्तान के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध को अपने अंडर किया और नेक्स्ट टर्न किसका था? पंजाब का। बट पंजाब में उस टाइम महाराजा रंजीत सिंह एक पावरफुल किंग थे, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो दैट यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिक्स फॉर मेकिंग देयर पावर इन इंडिया। फर्स्ट इज इसमें एक नेक्स्ट था वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए मेल हायर हिज किंगडम वुड लैप्स दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी एंड इट इज स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्स्ड सिंपल बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी एंड अवध, ये जो सारे किंगडम थे या स्टेट थे इनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने थ्रू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अपने अंडर किया। इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग ये था कि अगर कोई यूनियन रूलर है कि अगर उसका कोई सन नहीं होगा, अगर वो बिना सन के ही मर जाता है तो उसका किंगडम क्या होगा, ब्रिटिश किंगडम के अंदर वो आ जाएगा। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो पूरा काम होगा।